नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में पलवल जिला सचिवालय के सभागार में लोक संपर्क एवं परिवार समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिस अवसर पर भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन और होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर, जिला उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में 14 शिकायतों को रखा गया। मंत्री डॉक्टर मदमारी लाल ने क्रमवार शिकायतों को सुनकर 12 शिकायतों का मौके पर ही समाधान करा दिया, जबकि 2 शिकायतों के संदर्भ में अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार जन सेवा को समर्पित होकर कार्य कर रही है। प्रदेश की सरकार ने विभिन्न विकास योजनाओं से हरियाणा को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि विकास प्रगति की निरंतरता के साथ साथ सरकार ने ज्यादा से ज्यादा सरकारी सुविधाओं को ऑनलाइन करके बस केवल सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने का काम किया है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी सुगम बनाया है। कल 14 शिकायतें थी, जिसमें से 2 पेंडिंग है, बाकी सभी का निपटारा किया गया है। और जिस तरह से आज ज्यादातर पुलिस विभाग की शिकायतें ज्यादा थी और अपने जो पेंशन विभाग की शिकायतें ज्यादा थी, वो शिकायतें काफी लंबे समय से पेंडिंग रही है, क्या वजह है, कैसे निपटारा नहीं? पुलिस विभाग की शिकायतें ज्यादा समय से पेंडिंग है और उसका कारण ये भी हो सकता है कि एक तो अधिकारी बीच बीच में बदलते रहते हैं, दूसरा क्या होता है कि जो मुलजिम होते हैं उनको पकड़ने में समय लग जाता है, कई बार नहीं अवेलेबल हो, तो इसकी वजह से डिले चल रहे हैं। लेकिन पुलिस विभाग को ये डायरेक्शन दी गई है कि आप इसको जल्दी से जल्दी और साफ सुथरे तरीके से शिकायतों में निपटारा करें। तो सड़कों के निर्माण की भी बात की जाती है, तो क्या सड़कें अभी क्या है कि बारिश का मौसम था और बारिश के अंदर सड़कें नहीं बनती, लेकिन अब उस पर कार्रवाई हो रही और सारे सबके टेंडर लग चुके हैं, वर्क अलॉट हो चुके हैं और जल्दी ही सड़कें बनेंगे। अभी गत दिनों पहले वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।